हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी चेहरे पे क्या अप्लाई कर रही हूँ, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फेस वॉश है जो मैं अभी मेकअप ट्यूटोरियल करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ये बहुत अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ फेस वॉश से। उसके बाद 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं उसको वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है जो कि पॉन्ड्स का है, और आप देख सकते हैं मुझसे कैमरा में तो हो नहीं रहा है लेकिन मैं बीच बीच में आईना का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए फिटमी का मैंने प्राइमर यूज़ किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो इसलिए मैं पहली बार मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ और मैं थोड़ा फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं अप्लाई करती, मैं सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा फाउंडेशन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद से ही मैं स्पॉन्ज से इसको मिलाती हूँ, क्योंकि मुझसे हाथ से नहीं होता है। हाथ से मैं क्रीम यूज़ कर लेती हूँ लेकिन फाउंडेशन हाथ से नहीं हो पाता है मुझसे। और ये अब देखिए अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है, और मैं अपने हाथ के कलर से भी मिला रही हूँ कि हुआ है कि नहीं सही से। लेकिन साइड में थोड़ा सा मेरे बाल में लग गया था तो मैं फिर उसे हटाने लगी, और ये देखिए फाइनली मेरा फाउंडेशन लग चुका है चेहरे पर। और मैं हाथ से मिला के देखती हूँ तब थोड़ा सा कलर मैच करता है हल्का हल्का, तब अच्छे तरीके से लग जाता है। और मैं सबसे पहले लूज़ पाउडर को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करती, क्योंकि एकदम चेहरा हो जाता है ना, वो क्रैक क्रैक होने लगता है अगर कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी गर्मी के दिनों में तो अच्छा रहता है और मेकअप भी अच्छे तरीके से होता है। तो मैं बीच में मिरर भी इस्तेमाल कर ले रही हूँ ताकि मुझसे अच्छे तरीके से हो जाए, कैमरा में कुछ और सामने में कुछ और होता है। फिर मैं शाइमर ले लेती हूँ और ये हल्का सा लगा ले रही हूँ गाल पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट लगे। और मैं उतना भी डीप मेकअप नहीं करती जितना, सिर्फ लिपस्टिक से डीप हो जाता है, क्योंकि अगर हल्का मेकअप आप यूज़ करें और लिपस्टिक थोड़ा डार्क हो तो अच्छा लगता है। फिर ये देखिए मैंने आई शेडो का प्लेट ले लिया है और एकदम हाथ से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रश है मगर सिर्फ मैं हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ब्रश से मैच नहीं करता है और लगता भी नहीं है, ढंग से अप्लाई नहीं होता है। तो मैं देखिए उंगली का इस्तेमाल कर ले रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और ये एकदम अच्छे तरीके से लगा। गाइज बात मानिए, अगर हाथ से उंगली से अगर आप आँखों पर अप्लाई करेंगे ना आई शेडो तो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। फिर उसके बाद अभी मैं एकदम अच्छे तरीके से आईलाइनर लगा लूँगी, क्योंकि मैं क्लोसल काजल का आईलाइनर यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसमें मिरर में देख के लगा रही हूँ, क्योंकि कैमरा में तो होगा नहीं, सो इसलिए देखिए एक आँख में तो बहुत अच्छे तरीके से लगता है। और ये आईलाइनर का जो होता है दूसरे आँख में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले वाले में तो लग जाएगा लेकिन दूसरे आँख में बहुत हार्ड होता है, लेकिन फाइनली मेरा हो गया है। उतना लगभग मैच नहीं कर रहा लेकिन हो गया है, बहुत अच्छा लग चुका है। और आप देख सकते हैं मैं आँख के नीचे भी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये अच्छा काजल की तरह लगे। और मैं आईब्रो पेंसिल सबसे लास्ट में यूज़ करती हूँ ताकि मैं देखती हूँ चेहरे पर अच्छा लग रहा है कि नहीं, और बहुत हल्का मैं ऐसे डार्क नहीं करती, क्योंकि मेरा पहले से ही आईब्रो डार्क है तो मैं सिर्फ फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो गाइज अब बारी है लिपस्टिक का, जो मैं अब अप्लाई कर ले रही हूँ, और ये लास्ट में मुझे लिपस्टिक ही बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट में पता चल जाता है कि कैसा लुक आया है। और अभी एक चीज़ और बाकी है, सिंदूर लगाना बाकी है, तो इसलिए अभी मैं बाल झाड़ ले रही हूँ। ऐसे सिंदूर ऐसे फेस वॉश करने से जाता नहीं है, तो इसीलिए ये देख सकते हैं कि मैं अभी मांग बना रही हूँ कि मांग कैसा फट रहा है नहीं फट रहा है। तो ये देख सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो ये मुझे मांग बनाने के लिए ये बार बार कंघी करना पड़ता है, क्योंकि सीधा होता नहीं है, मुझे 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं मैं सिंदूर किस में रखती हूँ, एक छोटा सा लकड़ी का सिंदूर दानी है जिसमें हम सिंदूर रखते हैं, तो फिर मैं उसी से लगाती हूँ और अच्छा रहता है सिंदूर दानी अगर लकड़ी का हो तो। और ये देखिए मैं पहले ट्राई करके देख ले रही हूँ कि कैसे लगाया जाता है, क्योंकि मैं लगाई नहीं थी कभी भी, पहली बार सब ये चीज़ें सब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते मैं पहले यूज़ करी थी सिर्फ मांग टीका, लेकिन वो बहुत पहले का बात है, लेकिन अभी देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम इसको हेयर बैंड वाला यूज़ कर रही हूँ और एकदम अच्छे तरीके से लग गया। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि लगेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, तो ये फाइनली एकदम लग गया गाइज, एकदम मस्त लग रहा था। तो अभी इसमें साड़ी अगर मैं पहनती तो शायद और अच्छा लगता, तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, पहले मैं मेकअप कर रही तो टाइम नहीं मिला। अभी मैं खोलती ये सब साड़ी पहनने के लिए तो अच्छा नहीं लगता कि सब मेकअप बिगड़ जाता, तो इसलिए देखिए अभी मैं इयररिंग डाल ले रही हूँ। मैं फ़ाइनल देखना चाहती थी कि कैसा लग रहा है, और ये आप देख सकते हैं एकदम नागिन का लुक में आ रही हूँ मैं। और मैं सिर्फ बिंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही थी मुझे लगा था कि ये
जो ट्रेंड अभी कर रहा है, मैं उस लिए वीडियो बना रही थी, लेकिन ये नागिन का लुक में आ गया। तो गाइज आप बता सकते हैं कि मेरा लुक कैसा लग रहा है? एकदम सिंपल लुक है, इतना भी मेकअप नहीं है, हार्ड मेकअप नहीं है, तो इसलिए आप बता सकते हैं कि कैसा मेरा आज का लुक है। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।